हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है माधुरी वाला किचन में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दो प्याज़ा भिंडी। ये दो प्याज़ा भिंडी बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है। तो चलिए हम दो प्याज़ा भिंडी बनाना शुरू करते हैं। तो हमने भिंडी लिया है और हमने भिंडी को धो करके उसे जो है कि उसका पानी निकाल लिया। इसके बाद हमने भिंडी को एक भिंडी में से हमने 3 पीस किए हैं और भिंडी हमें बिल्कुल इतनी लंबी लंबी चाहिए, छोटी छोटी नहीं काटनी है। और हमने प्याज लिया है, प्याज को जो है कि हमने ऐसे चाकू में काटा है, इतना चौड़ा चौड़ा। तो फिर हम चलते हैं, एक स्पून लेते हैं। तो हमने गैस चला लिया है और स्पून हमारा गर्म हो चुका है। उसमें हमने 2 चम्मच तेल डाला है सरसों का। तो अब इसमें हम जो कटी हुई भिंडी है इसमें डाल देंगे। और भिंडी को हमें जो है कि इसका कलर बना रहे हैं, बस हमको हमें हल्का हल्का इसे फ्राई करना है भिंडी को। तो हम भिंडी को अच्छे से डाल के हम अच्छे से इसे मिला लेते हैं और फ्लेम को हम मीडियम रखते हैं कि भिंडी हमारी सही से फ्राई हो जाए और कलर बना रहे। इतना ध्यान रखना है हमें भिंडी का कलर बस बना रहे। अब भिंडी हमारी फ्राई हो चुकी है, हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है। हम इसे निकाल लेते हैं, फिर इसमें हम प्याज फ्राई करेंगे। अब इसी पेन में हम और इसी तेल में हम प्याज को भी फ्राई करेंगे। प्याज को भी ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इतना ही करना है कि इसका कलर बस बना रहे। तो हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं और फ्लेम को मीडियम रखते हैं। अब हमारी प्याज भी फ्राई हो चुकी है, हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, बस ऐसा ही चल रहा है। तो फिर हम प्याज को भी दूसरे पेन में ट्रांसफर कर लेते हैं। हमने दोबारा उसी पेन में हमने 2 चम्मच तेल डाला हुआ है और तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो हम जो है 1/2 चम्मच इसमें जीरा ऐड करेंगे। जीरा हमारा थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा। तो हमने ये 2 कटी हुई 2 हरी मिर्च ली है, इसको भी इसमें हम डालेंगे। हमने 1 प्याज लिया है, इसे बारीकी से काट लिया है, इसको भी इसमें हम डालेंगे। बारीकी से हम मिला लेते हैं और थोड़ा सा हल्का हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम बाकी चीज़ ऐड करेंगे। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन कलर की हो चुकी है। अब इसमें हमने 1 टमाटर लिया था, उसे हमने बारीकी से काट लिया है, इसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। और ये हमारा लहसुन और अदरक का पेस्ट, इसको भी इसमें हम डालेंगे। और सब चीज़ों को डाल के हम अच्छे से मिला लेते हैं जब तक कि हमारी जो है कि टमाटर गल ना जाए। फिर उसके बाद हम बाकी से इसमें ऐड करेंगे। तो टमाटर भी हमारा गल गया है और सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। हमने 1/2 चम्मच के करीब धनिया पाउडर लिया है और थोड़ा सा 1/2 चम्मच के करीब हमने हल्दी पाउडर लिया है और 1/2 चम्मच में जीरा पाउडर ऐड किया है। 1/2 चम्मच के करीब हम गरम मसाला डालेंगे। इन सब चीज़ों को डाल के हम अच्छे से मिला लेते हैं और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं कि मसाला हमारा अच्छे से पक जाए। हमने 3 चम्मच के करीब पानी इसमें ऐड किया है। इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है मसाला पकने के लिए और इसमें हम जो है स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। तो इसमें हम नमक ऐड कर देते हैं और सारी चीज़ों को डाल के हम अच्छे से मिला देते हैं कि मसाला हमारा अच्छे से पक जाए। फिर आगे हम बताते हैं कि क्या करना है। ये जो है कि मसाले भी हमारे अच्छे से पक चुके हैं और थोड़ा सा ऊपर ऊपर दे के छोड़ दिया है। अब इसमें हम डालेंगे ये टमाटो सॉस। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें और ना चाहो तो ना डालें, आपकी मर्ज़ी।
लेकिन ये है कि फ्लेवर इससे बहुत ही अच्छा आएगा इसका टेस्ट, तो मैं डाल दूँ। अब इसको डाल के भी हम थोड़ा सा पका लेते हैं। और सब डाल के मैंने इसे अच्छे से पका लिया है। अब मैं डालूँगी इसमें ये जो मैंने फ्राई किया था भिंडी और ये प्याज, इन दोनों को मैं इसमें डालूँगी। मैं सबको डाल के अच्छे से मिला लूँगी। और फ्लेम को हमने शुरू से अंत तक बस मीडियम रखा है और मीडियम फ्लेम पे हम पका रहे हैं। इसे भी अब करीब पक चुका है, बस इसको भी डाल के हम अच्छे से थोड़ा सा पका लें, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अब इसके ऊपर हम डालेंगे, मैंने एक टमाटर लिया है और उसे मैंने ऐसे करके काटा है और इसके बीज मैंने निकाल लिए, इसको भी हम ऊपर से डालेंगे। ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें और ना चाहे तो ना डालें, आपकी मर्जी। लेकिन हाँ, जो कि देखने में सारे मिल चुके हैं और इसे मैं ढक करके 5 मिनट तक और पका लेती हूँ। करीब करीब ये बन करके तैयार ही है। सब डाल के मैंने इसे करीब 5 से 6 मिनट तक पकाया है और ये काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गई और ये करीब बन चुकी है, तैयार है। ये देखो, और बहुत ही टेस्टी देखने में लग रही है। और अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसे आपको सॉफ्ट करके दिखाती हूँ। ये हमारी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ और दाल चावल के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। अब देखिए, दो प्याज और भिंडी हमारी बन के तैयार है और ये कितनी टेस्टी बनी हुई है, कितनी अच्छी लग रही है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो रेसिपी अच्छी लगे तो आप लोग भी एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक छोटी सी घंटी होगी उसके बगल में, आप उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी भिंडी कैसी बनी है। तो ये देखिए, मैंने सॉफ्ट कर लिया, कैसी लग रही है।